फुटबॉल किया था आपको फिर उससे पहले डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क डायग्राम Gracias.
What is IP address? IP address क्या है भाई? नहीं पता है. तुम बताओ IP address क्या है? IP address is a basic communication language or protocol in the internet. It is also called communication language. That's a good question. IP address is a basic communication language or protocol in the internet. Type of IP address? Two type of IP address. Internet protocol users are IP address will stand for IP address stand for Internet Protocol address. IP address is a unique number of each IP address is a unique number of each and every device which it is divided into two parts, physical, logical part and physical part. लॉजिकल पार्ट में सर्च करना आसान होता है वो फिजिकल पार्ट में कहाँ से पढ़े हैं यूट्यूब पे एक वीडियो था 17 मिनट लॉजिकल पार्ट में मतलब आसान होता है और ये लॉजिकल पार्ट में सब एक मैक है सबके पास एक मैक होता है और देखो उसको क्या लिखा हुआ आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट It is also called communication protocol in private networks. That's to lay a program. For example, 198.168.9. क्या ये? IP address क्यों use करते हैं? कहाँ use करते हैं? It is used to secure the network. It
is used to secure network. That's all. और कोई आप बताइए आईपी एड्रेस के बारे में. नहीं है बुक पे क्या लिखा हुआ. बुक तो है ना देखो क्या लिखा हुआ. क्या लिखा हुआ और भी कुछ लिखा हुआ. Language. करना हो या कनेक्ट करना हो या बैंक मैसेज ट्रांसफर करना हो
जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे आपको एम्प्लॉई एड्रेस मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आप एडमिशन लियो आपको एक आईडी मिला मिला है और एक्चुअली में देखा जाए तो ये क्या है वैसे ही यहाँ भी दो तरह के एड्रेस होते हैं, क्या होते हैं दो तरह के एड्रेस होते हैं ठीक है। आईपी एड्रेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं या सिंपल सी बात एड्रेसिंग स्कीम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका लॉजिकल एड्रेसिंग और दूसरा होता है फिजिकल एड्रेसिंग। मतलब क्या होगा, आपने कभी अपने मोबाइल पे देखा होगा या आपको मैक एड्रेस मिलेगा, क्या मिलेगा मैक एड्रेस, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस। क्या है वो फिजिकल जैसे ही आप किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट होते हो उस आपके डिवाइस के एड्रेस मैक एड्रेस उसके करेस्पॉन्डिंग आपके डिवाइस को क्या प्रोवाइड किया जाता है आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस। क्या कहते हैं मतलब वो चेंज हो रहा है, आप किसी नेटवर्क में हो आपको अलग आईपी एड्रेस आता है लेकिन किसी दूसरे नेटवर्क में जाओगे तो फिर आपको अलग मिल सकता है, वो आपको अलग वो कभी से आपका पहले तो फिजिकल बोलेंगे
फिजिकल एड्रेसिंग और दूसरा क्या होता है लॉजिकल। मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेजा था, उसमें होगा और दूसरा है आपको विंडोज का भी नहीं है और करना नेटवर्क के पार्ट में जो है एक पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो मैं देख लेता हूं। लॉजिकल एड्रेस है ना, लॉजिकल एड्रेस कोई दिक्कत, लॉजिकल लॉजिकल एड्रेस। अब मीडिया एक्सेस में लिख देता हूं यहां पे, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। दैट इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ व्हाट, एनी डिवाइस। जो भी लैपटॉप सिस्टम आपके पास है उसका ये क्या होता है, फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस पे बात करते हैं, मतलब ये कब मिलता है आपको, जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। और ये कौन प्रोवाइड करता है आपको, उस नेटवर्क का नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो मेंटेनेंस का काम करता है, जो देखरेख करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे कोई नया डिवाइस आए तो आपसे वो क्या पूछेगा, मैक एड्रेस और सिस्टम का, उसके करस्पॉन्डिंग। ऐसा नहीं कि एक ही डिवाइस को दो दो मैक एड्रेस दे रहे, ऐसा नहीं होता। मतलब आपके मैक एड्रेस से करस्पॉन्डिंग, मतलब ये आपका सिस्टम है जो भी फिजिकल में एग्जिस्ट करता है, उसका कोई एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देगा, एक आईपी एड्रेस देगा। क्या देगा बच्चों, आईपी एड्रेस देगा, ठीक है। आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस है ना, इसका प्रॉपर क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। कोई इशू? अब यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में बात करूं तो यहाँ पे दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, इसके दो वर्जन है। एक IPv4 होता है यूज, तो अभी करेंटली चल रहा है, अभी जो करेंटली चल रहा है वो क्या है, आईपी के दो वर्जन है। पहला क्या है आपका, IPv4 और दूसरा क्या है, IPv6। कोई दिक्कत, कितने हैं बच्चों, दो, एक IPv4 है और दूसरा क्या है, IPv6। चार
यहाँ पे गौर से देखो, मैंने पूछा क्या आपको, दो बीट है ना, एक बीट मान लो ये है, एक बीट ये, दो प्लेस को फिल करना है, तो क्या क्या फिल कर सकते हैं? बीट का मतलब क्या होता है? जीरो या फिर वन, ऑडिबल है जीरो या फिर वन। तो देखो या तो ऑप्शन है कि दोनों जगह जीरो में रख सकते, फर्स्ट में जीरो, यहाँ पे वन कर सकते हैं, या फिर वन जीरो, यानी दो बीट से कितने कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। यदि मैं इसको इसको क्या बोलू, मैं जीरो बोल सकता हूँ, बाइनरी में कन्वर्ट करके इसको क्या बोल सकता हूँ, वन इसको क्या बोल सकता हूँ, टू इसको क्या बोल सकता हूँ, दो बीट से कितने कॉम्बिनेशन बन गए, तो आईपी वी मोड कितने बीट का होता है, ये 32 बीट का होता है, क्या होता है ये 32 बीट का, क्या होता है ये एड्रेस होता है, और ये होता है आपका 128 बीट का, क्या होता है 128 बीट का एड्रेस। इसको रखा गया फ्यूचर के लिए, अब यूज होना शुरू हो गया, बट इसको रखा गया फ्यूचर के लिए, क्यों मैं बताता हूँ, और ये अभी जो करेंटली हम लोग यूज करते हैं मोस्टली, अभी इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया गया, बट फिर भी जो हम लोग पहले अभी भी यूज कर रहे हैं या पहले यूज होता था वो क्या आपका आईपी एड्रेस, और ये कितने बिट का था 32। अब गौर से देखो, गौर से देखो 32 बिट का मतलब क्या हुआ, यदि मैंने बोला कि दो बिट से हम चार एड्रेसिंग कर सकते, यदि मैं ये पूछू आपको कि चलो चार बिट से कितना एड्रेसिंग कर सकते, मैंने बताया आपको कि दो बीट का मतलब, दो बीट जब था तो जीरो जीरो क्या था ऑप्शन बताओ, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, कितने कॉम्बिनेशन हो गए आप, कैसे निकाले गया, टू और नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ बिट्स। तो देखो कितने बिट्स हैं यहाँ पे, टू क्यों यूज करते हैं हम लोग, ये बताओ, ये जो टू यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं, टू क्योंकि देखो हर एक प्लेस पे, गौर से देखो हर एक प्लेस पे कितने ऑप्शन हमारे पास, या तो जीरो पुट कर सकते हैं या फिर वन, हर एक बीट वाले प्लेस पे हम क्या करते हैं, या तो जीरो पुट कर सकते हैं, दो बीट है ना, नंबर ऑफ बीट कितना है, दो कितना बनेगा, चार कॉम्बिनेशन, एक फॉर्मूला हो गया। अभी मैंने क्या पूछा था, फोर बीट से कितने एड्रेसिंग कर सकते हैं, मतलब इस फोर बीट से 2^4 मतलब 9 बिट से तो कितना बताओगे, 2^9 कितना होगा, 512 में, यानी ये जो बिट जो हम बढ़ा रहे हैं क्यों बढ़ा रहे हैं, इसके बीच पर भी एड्रेस है, कितने लोगों का हम क्या कर सकते हैं एड्रेस, यही जो आपका एड्रेस है 32 बिट का होगा, फिर क्या करोगे आप, कितने लोगों को दे सकते हो। चलो एक चीज और मान लो, मैं ऐसा करता हूँ 16 बिट का पहले निकालता हूँ, 16 बिट में क्या होगा, यदि मान लो एड्रेस में आपका 16 बिट का है तो क्या होगा उस केस में, 16
कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 रेज टू पावर 6 इनटू 2 रेज टू पावर 10, इसको क्या बोलते हैं 64, और इसको बोलते हैं k, क्या बोलते हैं इसको k, यानी 64,000 लगभग लगभग 64,000 लोगों को क्या कर सकते हैं तो क्या होगा 2 रेस्ट पावर मिलियन और ये हो जाएगा इसका वैल्यू कितना होगा 4 बिलियन और यहाँ पे क्या होगा बताओ सर 9 times 0 सर 4 बिलियन होगा मिलियन में मिलियन के मिलियन के बाद क्या आता है अप्रॉक्स कितना होगा कितने लोगों को हम क्या कर सकते हैं ज्यादा सिस्टम हो गया तो उस जिस समय ये बना था ये सोच के बनाया कि ये जो है काफी इतने ज्यादा कंप्यूटर नहीं हो बट आजकल ये भी क्या है आपका कम हो गया तो फिर आप 32 बिट में एड्रेसिंग कर सकते हो क्या सबको दे सकते हो क्या तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं 128 बिट का यूज होना इसको IPv6 बोलते हैं क्या बोलते हैं IPv6 कोई इशू तो ये दो तरह के एड्रेसिंग कर लीजिए बच्चों तो बेसिकली हम लोग इस तरह से आईपी एड्रेस को बचाए इसके अलावा देखो अभी जो हम लोग यूज करते हैं ये IPv4 जो यूज चल रहा है अभी इसको फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक होता है क्लासफुल और एक होता है क्लासलेस आईपी एड्रेस क्लासफुल एंड क्लासलेस आईपी एड्रेस IPv4 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक होता है आपका क्लासफुल और दूसरा होता है क्लासलेस आईपी एड्रेस